होक्काइडो मिक्सल मार्शल आर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आज यह घोषणा की है कि उसको जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट संगोष्ठी और 15 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु लंदन रवाना होंगे उनको फेडरेशन की ओर से ट्रैक सूट टी शर्ट एवं नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। लंदन जाने वाले 3 खिलाड़ियों के फेडरेशन की ओर से नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इनमें हरप्रीत कौर, करणवीर सिंह और बलराज सिंह शामिल है। हमारे बच्चे इंग्लैंड जा रहे हैं। वी आर डूइंग दिस सेवा फ्रॉम 1997 एंड आज इनकी हौसला अफजाई के साथ साथ आप सभी का धन्यवाद, बस आप आए, अपना कीमती टाइम निकाला एंड वी आर रियली बिलीव भी करेंगे और हमारे को भी ये मान भी है कि हमारे बच्चों ने पहले भी गोल्ड मेडल जीता और अभी गोल्ड मेडल जीत के आएंगे। आई रियली थैंक्स कि जितना हमें सहयोग मिलना चाहिए था उतना सहयोग नहीं मिल पाया अभी, बट वही हम इंडियन गवर्नमेंट से ये उम्मीद करते हैं कि जिस हिसाब से बच्चों ने इतने कम रिसोर्सेज होने के बावजूद भी गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज जीते हैं, तो अगर हमें थोड़ा सा हमारे हाथ पकड़े तो वी डेफिनेटली गोना डू सो गुड एंड आई रियली प्राउड ऑफ माय किड्स कि इन्होंने इतने कम रिसोर्सेज के बावजूद भी हमारे देश का हमारा इतना नाम रोशन किया। सर ये हम तो बहुत इस नंबर से तो बहुत पीछे आते हैं, जैसे वी कंपेयर टू क्रिकेट और आप बैडमिंटन देख लो और बहुत सारे हमारे इवन कितने हॉकी है ना, बहुत सारी ऐसी खेले हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया, इवन ओलंपिक्स में बहुत अच्छा किया, बट स्टिल वो जितनी देर ओलंपिक चली उतनी देर तो उन गेमों का नाम रहा, उसके बाद 2020 क्रिकेट और ये सब कुछ ही चल रहा है। सो वी एक्चुअली हमें सच में सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत सहयोग चाहिए क्योंकि ये गेमें भी बहुत अच्छा कर रही हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे साथ आए। नमस्कार, मैं हूं अवनी चौधरी, आप देख रहे हैं अर्थकास्ट टीवी। इस वक्त हम खड़े हैं चंडीगढ़ के प्रेस क्लब में। आपको बता दें कि खेल आजकल खेल इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं कि कहीं ना कहीं पिछले कई महीनों से इंडिया ने अपना खिलाड़ियों के जरिए अपना सर गर्व से ऊपर कराया, कहीं ना कहीं गोल्ड मेडल तो सिल्वर मेडल तो ब्रॉन्ज मेडल लगातार आ रहे हैं, इसी से बच्चे प्रेरित हो रहे हैं। ऐसे ही हम आज आपको लेकर आए एक ऐसे गेम के बारे में बताएंगे जिसका नाम है बूजो मार्शल जू कार्ड मार्शल आर्ट। चलिए इस दौरान हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ पे बच्चे खड़े हुए हैं, खिलाड़ी खड़े हुए हैं जो कि पहले भी गोल्ड मेडल लेके आए हैं। इस दौरान हम बात करते हैं इनसे। सबसे पहले हमें आप थोड़ा सा इस गेम के बारे में ब्रीफ में बताइए। हेलो सर, माय नेम इज़ हरप्रीत कौर एंड आई एम इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ दिस गेम। हमारी फेडरेशन का नाम है बूजो काइडो मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और हमारी गेम का नाम है बूजो काइडो। एक्चुअली ये गेम है, ये जैसे हमारी किकिंग और पंचिंग का कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है, ये सेल्फ डिफेंस की गेम है और हमारी जो फेडरेशन है उनके बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे अपने मेडल्स लेके आए हैं और मेरे 9 इंटरनेशनल मेडल्स हैं और 15 नेशनल मेडल्स हैं और हमारी जैसे करणवीर हैं ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं इंटरनेशनल में और हमारी जो टीम है वो यूके जा रही है अभी इस टाइम 15 डेज का सेमिनार लगाने के लिए और उसके बाद हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप है जो कि अप्रैल में है। हमारे साथ हैं खिलाड़ी जो कि ये भी गोल्ड मेडल लेके आए हैं। सर पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम करणवीर सिंह। ओके करणवीर जी, आपने जिस वक्त आप खेलते हैं उस वक्त आपके मन में क्या भावना होती है? उस वक्त तो मैं ऐसे ही होते गेम को जीतना बस किसी भी तरीके से। जिस वक्त आप लेके आए थे गोल्ड मेडल तो जैसे कि आप इंडिया में आए होंगे तो क्या फील कर रहे थे? फील में वो तो सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। आपके पेरेंट्स का क्या कहना था, आपके जो कोच थे उनका क्या कहना था? सभी प्राउड थे मैम, सभी कोच थे क्योंकि गोल्ड इंटरनेशनल से गोल्ड लेना बहुत बड़ी बात होती है। अब आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत कम उम्र के बच्चे भी हमारे साथ हैं जो कि आपका नाम आपकी एज कितनी 14 ईयर की। देखिए आप कितने कम उम्र के साथ, ये बताइए कि आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ इस टाइम बिकॉज मेरे पेरेंट्स इतने ज़्यादा प्राउड हैं मेरे पे एंड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, मेरे कोचेज ने, मेरे पेरेंट्स ने। आई थिंक वेरी मैम, आपका इंटरेस्ट कैसे था? सीरियसली मेरा पहले कोई इंटरेस्ट नहीं थी, मेरे को 8-9 ईयर्स हो गई खेलती को, सो मैं स्टार्टिंग मेरे पेरेंट्स ने मेरे को इस गेम के लिए फोर्स किया था कर। मैं पहले बिल्कुल ही नहीं जानती थी कि जाऊँगी नहीं जाऊँगी कोई नहीं, लेकिन धीरे धीरे ट्रस्ट बनता रहा उन्होंने, फिर मेरा फोकस आंदर हो गया उनका। देखिए अगर इस गेम की बात करें तो बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं। हमें ये बताइए कि
इस गेम के लिए कि आपको कोई गवर्नमेंट से हेल्प मिली है? नहीं, एक्चुअली यही तो प्रॉब्लम है कि जो गवर्नमेंट है वो दूसरी गेम्स को प्रेफरेंस देती है और हमारी गेम को नहीं दे रही। तो हम चाहते हैं कि ये गेम जैसे गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, सेल्फ डिफेंस की गेम है, तो उन्हें चाहिए कि इस गेम को भी आगे लेके आना चाहिए। जी, तो हम हमारी फेडरेशन ही है जो हमारे लिए कुछ कर रही है इस टाइम। तो जी, अभी आप देख रहे हैं कि जो यूके टीम जा रही है तो उसके लिए 1 लाख हमारे 3 प्लेयर्स को स्पॉन्सर किया, तो हमारी फेडरेशन ने किया। तो हम चाहते हैं कि अगर जो प्राइवेट स्पॉन्सर्स हैं अगर वो भी अपना योगदान दें तो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो और भी मेडल्स लेके आएँ इंडिया के लिए। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें कुछ हेल्प मिले ताकि हम अपनी अपने देश का नाम रोशन कर सकें। देखिए, खिलाड़ियों का कहना है कि इनकी फेडरेशन तो इनकी मदद कर रही है लेकिन गवर्नमेंट अपनी कोई सहभागिता नहीं दे रही है इस वक्त इसमें गेमों में। उनका कहना है कि अगर गवर्नमेंट उनकी मदद करेगी तो उनके लिए कहीं ना कहीं वो बहुत ही अच्छा होगा और वो ऊंचे स्तर पर पहुंचेंगे। ऐसे ही कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बनी रही है प्रकाश टीवी पर। मैं अभी कहूँगी